दोस्तों आज का प्लान बहुत ही बेहतरीन, जैसा कि मैंने बता चुका हूँ, बहुत ही खास होने वाला है। और ये डबल स्टोरी प्लान है दोस्तों, और यहाँ पर लगभग आपको 10 बेडरूम देखने को मिलेंगे। 5 बेडरूम आपको ग्राउंड फ्लोर पर और 5 ही आपको फर्स्ट फ्लोर पर, तो टोटल 10 बेडरूम हो जाएंगे। और चारों तरफ फुली वेंटिलेटेड है, चारों तरफ विंडो वगैरह आप लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन सा मॉडल आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूं, और ये एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है। चारों तरफ विंडो देख सकते होंगे आप, जहां पर भी रिक्वायर्ड है वहां मैंने विंडो दिया है, और बेहतरीन सा साइड में एक मैंने एंट्री भी दी है, क्योंकि साइड में भी जगह थी, हमारे पेड यूजर थे, उनके कॉन्टेक्ट पर, उनके कहने पर मैंने इस मॉडल को क्रिएट किया है। और ऐसा ही मॉडल मैं एक और क्रिएट कर चुका हूँ इसके पहले, लेकिन अगर आपको भी अप्रॉक्स 10 बेडरूम चाहिए, 5 ग्राउंड पर 5 फर्स्ट पर, तो आप इस मॉडल को कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे जूम करके आपको दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू समझ में आ जाए। तो देख सकते हैं आगे पोर्च का डिजाइन, कार पार्किंग वगैरह, बहुत ही बेहतरीन सा डिजाइन ये पूरा होने वाला है। तो अब हम बात करते हैं इसके, तो ये दोस्तों पूरा इसका ग्राउंड फ्लोर है। देखिए मैं मैक्सिमम जूम और करता हूँ, तो सबसे पहले 2 पिलर मिलते हैं, उस पर बीम का डिजाइन और एक पोर्च टाइप का दिख रहा होगा डिजाइन, जो कि चारों तरफ से आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं इसका टॉप व्यू जब दिखाऊंगा तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कन्फर्म हो जाएंगी। तो सिर्फ वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है। तो स्टेयर्स के माध्यम जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे तो ये आपको एक बड़ा सा बारंदा या पोर्च देखने को मिलता है। मैं टॉप से दिखाऊं तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब आप ऊपर से देखते हैं तो देखिएगा ये पूरा मॉडल है। मेन डोर यहाँ पर इसका ये होगा, लेकिन मेन डोर पर एंट्री करने से पहले आपको बेडरूम दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। राइट हैंड पर एक दूसरों गेस्ट रूम बना हुआ है, इसके लिए डोर देखिएगा बरामदे से दिया है। और इस गेस्ट रूम में 2 विंडो हैं, क्योंकि कॉर्नर पर है तो एक फ्रंट में, एक साइड में प्रॉपर वेंटिलेशन होगा। इसके लेफ्ट हैंड की बात करें तो इधर भी एक बेडरूम है जो कि थोड़ा सा पीछे हटकर है, और इसमें भी 2 विंडो है, और इसमें 2 आपका डोर भी है, एक तो बाहर से डोर है और एक अंदर से भी डोर है। आप एंट्री करते हैं इस मेन डोर से अंदर, तो जैसे आप पहुंचते हैं तो आप क्या डाइनिंग हॉल में पहुंचते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये आपके 2 बेडरूम और देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। अब दोस्तों ये लेट एंड बात है, और यहाँ से साइड में जाने के लिए मैंने एक डोर भी दिया है, जिससे व्यक्ति साइड में जा सकता है, क्योंकि उनकी यहाँ पर जमीन थी तो उनको एक डोर भी चाहिए था। इसके बाद इधर की बात करें तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका एक बड़ा सा किचन है कॉर्नर पर, क्योंकि 2 यहाँ पर कॉर्नर का फायदा आपका ये होगा कि आपको 2 विंडो मिलेंगी वेंटिलेशन के लिए। ये आपका पूजा घर है और ये आपकी स्टेयर्स हैं। तो दोस्तों अगर बात करें इस बेडरूम में, तो 2 बेडरूम आपको सबसे पीछे, 2 साइड में और एक इधर, टोटल 5 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पर मिलते हैं। लेट एंड बाथ मिलता है, बड़ा सा किचन और पूजा घर, डाइनिंग एरिया, स्टेयर्स और एक रास्ता भी देखने को मिलता है। तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर बनकर रेडी हुआ है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत 5 बेडरूम के साथ ये मॉडल बना हुआ है। बात करते हैं इसके फर्स्ट, तो जैसा फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर पहुंचते हैं तो देखिएगा ये सिमिलर प्लान है, कोई चेंजमेंट नहीं किया, सिर्फ बालकनी को मैंने, पहले मैं आपको अंदर का दिखा देता हूँ, वही पीछे वाले 2 बेडरूम और वही आपका किचन, वही स्टेयर्स, पूजा घर और आगे वाली बेडरूम, पोर्च का भी डिजाइन, वही सिर्फ आगे बालकनी मैंने बढ़ा दी है 2.5 फीट चारों तरफ बालकनी बड़ी है, देख सकते साइड में भी बालकनी बड़ी है, इसीलिए यहाँ पर डोर है, इसी डोर से आप पूरी बालकनी को एक्सेस कर पाएंगे, देख सकते हैं। और भी अगर आपको एक बेडरूम डोर चाहिए तो आप किसी भी बेडरूम से एक डोर दे सकते हैं, या स्टेयर्स के नीचे भी बालकनी में डोर दिया जा सकता है। तो चारों तरफ बालकनी बनी हुई है, और बेहतरीन से 5 बेडरूम ऊपर भी सिमिलर जैसे कि ग्राउंड फ्लोर पर बने हैं। तो ये देख सकते हैं, मैं और थोड़ा सा जूम करता हूँ जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू समझ में आ जाए। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने इस मॉडल को बनाने की कोशिश की है। लास्ट फ्लोर पर जैसे दोस्तों पहुँचते हैं तो चारों तरफ जो बालकनी थी वही है, बाद बाकी मैंने सब कुछ हटा दिया है। हालांकि स्टेयर्स को ढकने के लिए मैंने यहाँ पर गुमटी नहीं क्रिएट की है, आपको उसे क्रिएट करना पड़ेगा। तो ग्राउंड फ्लोर पर 5 बेडरूम, फर्स्ट फ्लोर 5 बेडरूम, कुल मिलाकर 10 बेडरूम का एक बेहतरीन सा मॉडल डबल स्टोरी बनकर रेडी हो जाता है। तो अगर आपको भी ये मॉडल पसंद आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।